नमस्कार, वेलकम टू पाकशाला किचन। आज की रेसिपी है मूंगफली की बर्फी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्द बन जाने वाली ये बर्फी है। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो फिर प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि मूंगफली की बर्फी कैसे बनती है जल्द से जल्द। चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैं एक कटोरी, छोटी कटोरी से मैं कटोरी चीनी लिए हैं और ये एक कटोरी बड़ी कटोरी है जिसे मूंगफली रोस्ट करके इसे हम बारीक पीस लिए हैं। और इसे जब भी आप पीसिएगा तो इसे रुक रुक कर पीसिएगा, नहीं तो ये तेल छोड़ देगा। तो चलिए हम कढ़ाई लेते हैं। उस कढ़ाई में चीनी डाल दिए हैं, इसी कटोरी से आधी कटोरी हम पानी डालेंगे और ये चाशनी हमारा बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। और चाशनी मुझे ज़्यादा दो तार का नहीं लेना है, एकदम हल्की सी तार आएगी तो मैं ये चाशनी को बंद कर दूंगी। तो ये मैं इलायची दो कूट कर डाल दी हूँ इसमें, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए हम अपनी चाशनी को दिखा रहे हैं, एकदम हल्का सा तार आ रहा है तो ये हमारा चाशनी तैयार हो गया। ड्रॉप भी धीरे धीरे गिर रहा है तो ये हमारा चाशनी तैयार हो गया। अब मैं इसमें मूंगफली का पाउडर इसमें डालूंगी और इसे भूनूंगी। एक मिनट तक ही भूनना है और उसके बस एक मिनट तक भूनना है। तब तक हम अपने प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं घी से लगा कर। तो देखिए प्लेट को घीसी में हम बर्फी को जमाएंगे तो ग्रीस कर लिए हैं। अब टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें दो चम्मच हम कोकोनट पाउडर डाल दिए हैं और ये हमारा बर्फी तैयार हो चुका है। तो देखिए बर्फी तैयार हो गया है। मैं इसे दूसरे बर्तन में प्लेट में अपना निकालूंगी। इस प्लेट में हम डाल दिए हैं और आधे घंटे तक हम इसे छोड़ देंगे प्लेटफॉर्म पर, यहीं पर आपका ये सेट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर मैं इसके ऊपर बादाम को डालूंगी इसको सजाने के लिए। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो देखिए आधा घंटा हमारा सेट हो चुका है। मैं इसे बर्फी को काट लूँगी और मैं इसको दिखाती हूँ आपको निकाल कर। ये देखिए कितना अच्छा बर्फी बना है। तो आप भी इसी तरीके से बर्फी बनाइए दीपावली में और घर पर शुद्ध मिठाई खुद अपने हाथों से बनाकर खाइए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो सारे बर्फी को निकाल लिए हैं। तो आप भी अपने परिवार में सबको अपने हाथों से मिठाई बनाकर खिलाइए और इस बार दीपावली में माता लक्ष्मी को अपने हाथों से बनाकर मिठाई चढ़ाइए। तो देखिए बर्फी बहुत ही लाजवाब बना है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।